देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। यूपी का विकास जेवर की सौगात। उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बह रही है। दरअसल जब से बीजेपी ने सत्ता संभाली है तब से ही हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास की जो गति है उसको धार देने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव अगले साल होने वाले हैं, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश में विकास योजनाओं के नित नए सौगात दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखने वाले हैं आपसे कुछ ही देर में। प्रधानमंत्री पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश की कई यात्राएं कर चुके हैं और बड़ी बड़ी सौगातें दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई को वाराणसी में 186 करोड़ की लागत से बने रुद्रास कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया। इसका शिलान्यास 2015 में प्रधानमंत्री ने जापान के तत्कालीन शिंजो आबे के साथ किया था। तो इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वाराणसी में करीब 1583 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। तो यूपी को विकास योजनाओं की सौगात लगातार मिल रही है, जेवर एयरपोर्ट हो या फिर कहा जाए कि चुनाव से पहले ये चुनावी शिलान्यास हो सकता है, क्योंकि विपक्ष इस बात को लेकर खफा नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर विवादित बयान दे रहा है। कभी अखिलेश यादव पोस्टर लगवा देते हैं तो कांग्रेस कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है कि यूपी का विकास हो रहा है, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन वहां के जो किसान हैं उनकी जमीन का उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला है। तो ऐसे में अगर इस पूरे मामले के दो पहलू हैं, एक ये कि हाँ वाकई यूपी का विकास हो रहा है, लेकिन दूसरा ये कि चुनावी साल से पहले धड़ल्ले से हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ तमाम योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीनों में कई बार यूपी आ चुके हैं, बड़ी बड़ी सौगात दे चुके हैं। अगर जेवर एयरपोर्ट की हम बात करें तो कई सालों से इसके बनने को लेकर बातें हो रही थी और अब धरातल पर भी चीजें नजर आने लगी। आज इसकी आधारशिला रखी जाएगी, कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहां पर जो किसान हैं वो भी बार बार सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने जमीन अपनी दे दी है लेकिन हमें उचित मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन सरकार कह रही है कि आने वाले समय में करीब करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश यहाँ पर होगा और तमाम सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिलेंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी भूपेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। भूपेश, आज जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कैसी तस्वीरें हैं, क्योंकि भव्य तस्वीरें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। देखिए बिल्कुल 11:55 का जो समय है उस समय नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे जी। और उसके बाद पहले वो शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन होगा और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए यहाँ जो भीड़ है वो सुबह से ही आना शुरू हो गई थी और हमने आपको बाहर का भी नजारा दिखाया था, लेकिन नेटवर्क की समस्या होने के कारण हम मंच के पास अगर जाते हैं वहां बातचीत नहीं हो पाएगी। मैं आपको यहाँ दिखा दूं, यहाँ पर जो तैयारियां हैं, देखिए ये मथुरा से कलाकारों को बुलाया गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे उनका ये लोग स्वागत करेंगे। आप तस्वीरों में इन लोगों को देख सकते हैं। बिल्कुल भूपेश, कैसे बात हो सकती है, आप इनसे बात करके बताइए कि कितना उत्साह है इनके अंदर, क्योंकि इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं और एक बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यहाँ शिलान्यास आधारशिला रखने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी जी, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप लोग, मतलब कैसा लग रहा है आपको यहाँ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनके आगे आप कार्यक्रम करेंगे। तो देखिए इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है। हम बात करें तो 2024 में बताया जा रहा है कि बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। ये जेवर एयरपोर्ट आखिर इतना खास क्यों है उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए इसको जेवर एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो तीन फेज में बनाया जाना, पहला फेज 2024 तक हो जाना, कंप्लीट होना है और पहली उड़ान 2024 में हो जाएगी, वरना जो कंपनी इसको बना रही है उस पर अगर एक दिन भी लेट होता है तो बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए की पेनल्टी उस पर लगाई जाएगी। तो उसको तय समय दिया गया है कि 1064 दिन, मतलब उसे इतने दिन में करके ही देना पड़ेगा।
खास क्यों है? खास एक तो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए इसका शिलान्यास किया गया है, जो विपक्षी दल कह रहे हैं, क्योंकि शिलान्यास को लेकर बहुत क्या लगाए जा रहे थे। तो जी 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 बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जेवर एयरपोर्ट के बाद एक तो कनेक्टिविटी हरियाणा से है, उसके अलावा यहाँ के जो जिले हैं, दिल्ली की अगर हम बात करें, क्योंकि दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका भार काफी कम हो जाएगा, और ये पूरा भार अगर हम बात करें तो ये जेवर पे आ जाएगा। इसके अलावा जेवर जो कनेक्ट होता है, बुलंदशहर का विकास होगा, अलीगढ़ का विकास होगा, इसके अलावा हरियाणा पे भी। एक और चीज यहां मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं और लगातार आप वहां जो आसपास गांव है, जिन गांव के लोगों ने, जिन किसानों ने अपनी जमीन दी है इस एयरपोर्ट के लिए, उनसे भी आपकी बातचीत होती रहती है। देखिए बहुत बड़ा दिन है और वाकई बहुत बड़ी सौगात है यूपी के लिए, विकास को लेकर। यूपी का विकास इससे बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये पांचवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बनने जाएगा, और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा। लेकिन सवाल ये है कि कुछ किसान बार बार आते हैं और कहते हैं कि हमसे जमीन तो ले ली गई है, लेकिन हमें उचित मुआवजा नहीं दिया गया। कांग्रेस भी ऐसा कह रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? वहां के किसान क्या खुश नहीं है इस एयरपोर्ट से? देखिए यहाँ अलग मैं आपको बात करूँ, जो जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया थी वो एकदम ठीक थी, लेकिन कुछ जरूर किसान हैं जो नाराज हैं, और अभी भी वो अपनी जगह पर जहां से उनके घरों को हटाया गया है वहां पर तंबू लगाकर ही रह रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने काफी कोशिश की थी उनको हटाने की, लेकिन वो नहीं हटे, जबकि प्राधिकरण का कहना है कि वो लोग ज्यादातर को मुआवजा दे चुके हैं, और जो उन्हें मकान बनाना है उसके लिए अलग से उनका जो मलबा था यानी मकान का जो पैसा था वो भी दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी ऐसे किसान हैं जो अभी भी नाराज हैं, लेकिन ज्यादातर की संख्या ऐसी है जो इस जनसभा में भी पहुंचे हैं। खुद जो यहाँ के स्थानीय विधायक है धीरेन्द्र सिंह, वो इन आसपास के गाँवों में, यानी कि जहां से जमीन अधिग्रहित हुई है या वो गाँव लोग बाहर हैं, उनको ट्रैक्टर द्वारा वो लेकर के आए। करीब 250 से ज्यादा ट्रैक्टर है, जिसमें विधायक खुद ट्रैक्टर चलाकर जनसभा में उन लोगों को लेकर आए हैं यहाँ पर। भूपेश बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सिर्फ यूपी की बात नहीं है, इस एयरपोर्ट से दो और जिले हैं, प्रदेश हैं, और बाकी आसपास के जिले हैं, चाहे वो मथुरा हो चाहे वो अलीगढ़ हो, उससे भी कनेक्टिविटी हो जाएगी, आगरा से भी कनेक्टिविटी हो जाएगी, दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगा, हरियाणा से कनेक्ट हो जाएगा, बाय एयर भी और बाय रोड भी। तो ये बहुत बड़ी सौगात है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, आसपास के जो राज्य हैं, जो जिले हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी सौगात है। कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और कौन कौन यहाँ पर बड़े चेहरे पहुंच सकते हैं? देखिए 11:55 का जो समय है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। देखिए अभी अभी आप ऊपर देख सकते हैं कि जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ उड़ रहा है अभी। सीएम योगी आदित्यनाथ का बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ हो सकता है वो पहुंच गए हों। इसके अलावा यहाँ पर जो नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योतिनाथ, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का जो समय है वो 11:55 का है, और उसके बाद यहाँ पर पहुंचकर भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास होगा, और फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल भूपेश, इसके अलावा कुछ और क्या तस्वीरें वहां दिखाई दे रही हैं? क्योंकि सुबह से ही हम तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम मीडिया चैनल चला रहे हैं, हमने भी बहुत सारी ऐसी खूबसूरत तस्वीरें चलाई हैं। क्या कुछ खास नजारा आज है? क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए, अगर चुनावी लिहाज से देखें तो तमाम पार्टियों के लिए भी बड़ा है, और अगर आम जनता के लिहाज से देखें तो ये विकास के लिहाज से बहुत बड़ा है। बिल्कुल, आज के लिए देखिए गौतम बुद्ध नगर के लिए तो बहुत बड़ा दिन है, और यहाँ जो आप चीज देख सकते हैं, आपको मैंने देखिए ये नजारा तो दिखाई दिया कि ये लोग तैयार हो रहे हैं और इनकी जो तैयारियां वो पूरी हैं, और अब आप देखिए ये ब्रज के जो लोग हैं अपना जो कला का जो प्रदर्शन करेंगे उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन वहां दूसरी तरफ नेटवर्क काफी कम है। मैं अगर उधर का आपको नजारा दिखाऊं तो आप अलग करेंगे, क्योंकि लगातार जनसभा की तरफ जय श्री राम के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। सुबह से हम यहाँ पहुंचे थे तो मतलब आसपास के लोगों में खुशी है भूपेश, बहुत खुश है लोग। देखिए बहुत ज्यादा, मैं आपको एक बार कोशिश करूंगा दिखाने की कि कितना बड़ा जन सैलाब यहाँ पर पहुंचा हुआ है। आप देख सकते हैं, देखिए जहां तक नजर जाएगी केवल आपको यहाँ वहीं तक आपको लोगों की ये भीड़ दिखाई देगी, और जो दावा किया जा रहा था कि 1.5 से 2.5 लाख लोग यहाँ पहुंचेंगे, हमारी जहां तक नजर जा रही है वहां तक हमें केवल लोगों की भीड़ दिख रही है। और क्या लग रहा है ऐसा कि 2.5-3 लाख लोग यहाँ पहुंच पाएंगे? क्योंकि काफी दिनों से ऐसी चर्चाएं थी कि जो मैदान है यहाँ पर करीब 2.5 से 3 लाख लोग पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, देखिए चर्चा इसी की थी कि 2.5 से 3 लाख लोग पहुंचेंगे, और सुबह से ही भूपेश में देख पा रही हूँ कि सिक्योरिटी भी बहुत चाक चौबंद है, कोई भी अगर यहाँ पहुंचेगा तो काफी ज्यादा सिक्योरिटी से उसे निकलकर जाना पड़ेगा। देखिए सिक्योरिटी के लिए मैं आपको बता दूं, 5,000 पुलिस कर्मियों को लगाया गया। इसके अलावा ये तो मीडिया की लॉबी है, मीडिया के लिए आप देख सकते हैं, मीडिया के लिए भी बकायदा सिक्योरिटी है, कोई यहाँ पर व्यक्ति वैसे नहीं आ सकता है, डॉग स्क्वाड हो, बम निरोधक दस्ता हो, सब कुछ मौजूद है। अब मैं बिल्कुल देखिए मंच के पास पहुंचने वाला हूँ जहां पर ये जनसभा होने वाली है। आप इधर मेरी
तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आप महिलाओं की भीड़ बिल्कुल और काफी संख्या में महिलाएं पहुंच गई हैं और काफी खुश भी नजर आ रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर आई हुई है। बिल्कुल भूपेश, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए बिल्कुल, देखिए मैं अगर आगे की तरफ मंच की तरफ जाऊंगा तो शायद वहाँ जो नेटवर्क है वो काफी कम है, इसीलिए हमें यहीं से आपको बताना होगा। भारी संख्या देखिए यहाँ पे लोगों की है इस समय, और जो दावा 1.5 लाख से 2.5 लाख का किया जा रहा था कि 2.5 लाख तक लोग यहाँ पहुंचेंगे, वो लग रहा है कि वो सफल होता दिख रहा है। बिल्कुल भूपेश, और कोरोना के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं? क्योंकि सिक्योरिटी तो हम देख रहे हैं बहुत टाइट है, लेकिन कोरोना के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत संख्या में लोग पहुंचेंगे। अब धीरे धीरे कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, तो सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि 1.5-2 लाख लोग यहाँ पहुंचे और कोरोना संक्रमण फैले। हाँ देखिए बिल्कुल, लेकिन देखिए लोगों से पहले ही जिन लोगों को यहाँ बुलाया गया उनको बताया गया था कि आप मास्क पहनकर ही आइए, लेकिन जब इतनी भीड़ आती है तो शायद याद नहीं रहता है या सिक्योरिटी पे उचित ध्यान नहीं है, लेकिन लोगों को देखिए हिदायत दी गई है। काफी लोग हैं जो मास्क पहनकर ही दिख रहे हैं, जो यहाँ सिक्योरिटी लगी हुई है बाहर, वो बकायदा लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग मास्क पहनकर ही एंट्री जो करेंगे। अगर इस पूरे एयरपोर्ट की हम बात करें तो इसमें कितने रनवे होने वाले हैं और हर साल करीब कितने यात्री इससे सफर कर पाएंगे, कुछ ऐसा अनुमान? देखिए अभी इस बारे में जो 5 रनवे की बात थी, लेकिन अभी पहला फेज की मैं आपको बता रहा हूँ, पहला फेज कंप्लीट होगा जो 2024 में इनको कंप्लीट करना है। ज्यूरिक कंपनी को ये जो है ज्यूरिक कंपनी को कार्य दिया गया है, और ज्यूरिक कंपनी पे अगर वो एक दिन भी लेट होती है, यानी बताया था हमें जो अरुण वीर सिंह यहाँ के नियाल के अधिकारी, उन्होंने बताया था कि जिस कंपनी को हमने ऑर्डर दिया है उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा 1064 दिन के बाद अगर वो पूरा करते हैं तो उनकी तैयारी देखिए पूरी। उन्होंने कहा है कि हम 2024 में यहाँ से जो पहली उड़ान है वो पूरी कर देंगे। बिल्कुल भूपेश, इसके अलावा अगर बात की जाए तो अभी आपने बोला था कि जो दिल्ली का एयर ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है, एनसीआर में है। दूसरी बात ये है कि कितनी फिलहाल जो फर्स्ट फेज होने वाला है उसमें कितनी घरेलू फ्लाइट्स जो हैं वो उड़ान भरेंगी और कितनी इंटरनेशनल भरेंगी? तो भूपेश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, नेटवर्क की समस्या बनी हुई है, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें भूपेश ने हमें दिखाई है वाकई बेहद खूबसूरत है, बेहद शानदार है, क्योंकि यूपी के लिए बहुत बड़ा दिन है, गौतम बुद्ध नगर के लिए बहुत बड़ा दिन है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चुनावी लिहाज से बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि बीजेपी पूरा एजेंडा सेट कर चुकी है चुनावी साल से पहले ही। इतनी बड़ी सौगात आज बीजेपी देने जा रही है उत्तर प्रदेश को। इसके अलावा अगर देखा जाए तो विपक्ष कहीं ना कहीं से विफरा हुआ है, लगातार हम बयान जो है वो विपक्ष की तरफ से सुन रहे हैं। इसके अलावा अगर आम जनता की हम बात करें तो आम जनता खुश है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर तमाम कार्यक्रम और जो आसपास के गांव हैं वहां की जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं। आपको बता दें कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश आते हैं तो जन सैलाब उमड़ पड़ता है, और ऐसी तस्वीरें आज हमें सुबह से ही देखने के लिए मिल रही है। हालांकि जैसे कि अभी भूपेश ने बताया कि 11:55 का समय था, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंच पाए हैं। जैसे ही पहुंचेंगे हम पहली तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचेंगे, हो सकता है कि आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर पहुंच सकती हैं। इसके अलावा तमाम और जो बड़े चेहरे हैं वो पहुंचेंगे। बड़ी सौगात आज उत्तर प्रदेश को मिलने जा रही है।